हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट 2023 के एफडी इंटरेस्ट रेट और लास्ट में आपको एग्जांपल से समझाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, आपको कितना ब्याज मिलेगा और कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के लोन स्कीम्स, डिपॉजिट स्कीम्स और सेविंग स्कीम पर डिटेल्ड वीडियोज़ मिल जाते हैं। किसी भी स्कीम का लाभ उठाने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास आप मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की एफडी करवा सकते हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल के बीच में डिफरेंट स्लैब्स बनाए गए हैं और सभी स्लैब्स में आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैं सभी स्लैब्स आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, जिससे आप जान पाएंगे कौन से स्लैब में आपको सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और कौन सा स्लैब आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जानते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले है 7 डेज टू 14 डेज, 7 दिन से लेकर 14 दिन तक सामान्य नागरिक को ब्याज मिलेगा 4%, वरिष्ठ नागरिक 4.5%, 15 दिन से 45 दिन सामान्य नागरिक 4.25%, वरिष्ठ नागरिक 4.75%, 40 दिन से 90 दिन तक सामान्य नागरिक 4.5%, वरिष्ठ नागरिक 5%, 91 दिन से 179 दिन सामान्य नागरिक 5%, वरिष्ठ नागरिक 5.5%, 180 दिन से 364 दिन तक सामान्य नागरिक 5.5%, वरिष्ठ नागरिक 6%, 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष से कम तक सामान्य नागरिक 6.75%, वरिष्ठ नागरिक 7.25%, 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम तक सामान्य नागरिक 6.5%, वरिष्ठ नागरिक 7%, 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक सामान्य नागरिक 6.25%, वरिष्ठ नागरिक 6.75%। तो दोस्तों ये थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी इंटरेस्ट रेट स्लैब्स। लेकिन एफडी करवाने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें, क्योंकि हमने सभी बैंक्स के 2023 के लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट्स पे हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं। आप उन वीडियोस को देख लें और चूज़ कर लें बेस्ट स्कीम को, किस बैंक में आपको सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, खासकर उस स्लैब के लिए जिसमें आप एफडी करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम 1 लाख रुपये की एफडी करवाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास डिफरेंट मेच्योरिटीज़ के लिए, हमें कितना ब्याज मिलेगा और कितना मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। ये 1 बाय 1 आपको दोनों ही केसेस में, नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के केस में बताया जाएगा। पहले बात करेंगे नॉर्मल सिटीजन यानी कि सामान्य नागरिक की। 1 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा 6.75% और 1 लाख रुपये की मेच्योरिटी मिलेगी 1 वर्ष के बाद 1,06,922 रुपये। 2 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा 6.5% का, 2 वर्ष के बाद मेच्योरिटी मिलेगी 1 लाख रुपये की 1,13,763 रुपये। 3 वर्ष के लिए सामान्य नागरिक को ब्याज मिलेगा 6.25% और 3 वर्ष के बाद 1 लाख रुपये की मेच्योरिटी मिलेगी 1,20,448 रुपये। 5 वर्ष के लिए सामान्य नागरिक को ब्याज मिलेगा 6.25% और मेच्योरिटी मिलेगी 1 लाख रुपये की 5 वर्ष के बाद 1,36,353 रुपये। 10 वर्ष के लिए सामान्य नागरिक को ब्याज मिलेगा 6.25% और 1 लाख रुपये की मेच्योरिटी 10 वर्ष के बाद मिलेगी 1,85,923 रुपये। नेक्स्ट हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक की। वरिष्ठ नागरिक को 1 वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा 7.25%, मेच्योरिटी मिलेगी 1 लाख रुपये की 1,07,449 रुपये। 2 वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिक को ब्याज मिलेगा 7% का और मेच्योरिटी मिलेगी 1 लाख रुपये की 2 वर्ष के बाद 1,14,888 रुपये। 3 वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिक को ब्याज मिलेगा 6.75% और 3 वर्ष के बाद 1 लाख रुपये की मेच्योरिटी मिलेगी 1,22,239 रुपये। 5 वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिक को ब्याज मिलेगा 6.75% और 1 लाख रुपये की मेच्योरिटी 5 वर्ष के बाद मिलेगी 1,39,749 रुपये। 10 वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिक को ब्याज मिलेगा 6.75% और मेच्योरिटी मिलेगी 1 लाख रुपये की 10 वर्ष के बाद 1,95,300 रुपये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।